हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मच मोर में। आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कर्टन्स अपने विंडो में आप कैसे लगा सकते हैं बिना होल्स ड्रिल किए। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें होल्स ड्रिल नहीं करने होते हैं कर्टन का रॉड लगाने के लिए, स्पेस कंस्ट्रेंट हो सकता है, या फिर अगर आप टेनेंट हैं, या फिर जो भी रीज़न हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिना होल्स ड्रिल किए आप एक टेंशन रॉड को यूज करके कैसे कर्टन्स लगा सकते हैं। कर्टन का इंस्टॉलेशन बहुत बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हैं क्योंकि इसमें होल्स तो ड्रिल करने ही नहीं है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आप टेंशन रॉड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंशन रॉड एग्जैक्टली क्या चीज होती है, कहाँ मिलती है, और थोड़ी बहुत और चीजें इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। ये हमारे किचन की विंडो है, तो किचन की विंडो में आप देख सकते हैं जो साइड में कैबिनेट है और जो विंडो है उसमें बहुत कम गैप है, बहुत कम स्पेस है। तो ये जो टेंशन रॉड है इसे आप आसानी से ऐसे छोटी स्पेसेस में लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप टेनेंट हैं यानी किराए से रहते हैं, और अगर आपको आप पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ड्रिल ना करें, उस केस में भी ये बहुत सूटेबल है। इन रॉड्स को आप अपने वार्डरोब्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना कम गैप है यहाँ पर। तो आपके घर में भी ऐसे कोई प्लेस हो सकती है जहाँ पे आपको स्पेस के कंस्ट्रेंट की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से ड्रिल करने में दिक्कत है, तो आप ये टेंशन रॉड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेंशन रॉड क्या है। तो ये देखिए ऐसी ये रॉड है, मैंने ऑनलाइन ली है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये रिट्रैक्टेबल होती है, यानी बीच में जो आपको जॉइंट नज़र आ रहा है वहाँ से आप इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। ये टेंशन रॉड अलग अलग साइजेस में आती है, तो आपके घर में आपको जहाँ पे ये लगानी है उसकी जो लेंथ है वो देख लीजिए, और इस टेंशन रॉड की जो मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ है बस वो उसके बीच आ जाए तो आप वो रॉड खरीद सकते हैं। ये देखिए अगर आप इस तरह से इसे पुश करेंगे तो ये हल्का सा स्प्रिंग की तरह रिट्रैक्ट होती है, और इसी मैकेनिज्म से ये जो आपका कर्टन रॉड है, जो स्पेस होती है विंडो की, वहाँ पे अच्छे से फिट हो जाती है। तो देखते हैं आप इसे यूज कैसे करना है कर्टन लगाने के लिए। तो आपका जो कर्टन है आप इस रॉड पे लगा ले। आप चाहें तो जो कर्टन के नॉर्मल प्लास्टिक के रिंग्स आते हैं, लूप्स आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे विंडो में इतनी भी स्पेस नहीं है कि उस तरह का कुछ हम यूज़ कर पाएं, तो नॉर्मल कपड़े को ही हमने ऊपर से रैप कर दिया है, इसी तरह से स्टिच किया है। ये देखिए आप जो बीच का जॉइंट है वहाँ से घुमा कर इस रॉड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस एडजस्ट कर दीजिए और छोड़ दीजिए, जो बीच में वो स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म है जॉइंट पे, उससे ही जो कर्टन है अच्छे से फिट हो जाता है। एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग वाली यहाँ दिखा रही हूँ, कर्टन टाई बैक। तो कर्टन्स के साथ आप सिल सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसा टाई बैक खरीद सकते हैं। अब देखते हैं मैग्नेटिक कर्टन टाई बैक, बहुत कन्वीनियंट टू यूज है, अलग अलग शेड्स में मिल जाते हैं। आपका कर्टन छोटा है तो दो राउंड लगाए, वरना सिंगल राउंड में ही लग जाते हैं। ये देखिए कितने ईजी है, किसी भी कर्टन में आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस कर्टन रॉड को अनइंस्टॉल कैसे करना है, यानी हटाना कैसे, निकालना कैसे। बस ऐसे रोटेट करें आप और ये रॉड आसानी से निकल आएगा। फिर आप अपना कर्टन वॉश कर सकते हैं, या फिर अगर आपको शिफ्टिंग करनी है तो वापस से रॉड को रिट्रैक्ट करके आप जहां आपको जाना है वहां मूव कर सकते हैं। ये सेम रॉड आप अपने वार्डरोब्स में भी यूज़ कर सकते हैं, हैंगर्स लगाने के लिए, या फिर अगर आपको किसी और टाइप की यूटिलिटी लग रहा है कि सूटेबल है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप किसी भी ब्रांड का टेंशन रॉड और कर्टन टाई बैग खरीद सकते हैं। जो हमने यूज़ किए हैं प्रोडक्ट्स उनकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।